हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप के अंडर भी देखेंगे तब भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा या बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या तो ये अकेले रहते हैं जैसे अमीबा पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ये मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो गए रहते हैं जैसे फंगी या बैक्टीरिया। और ये हर तरह के क्लाइमेट में मिल सकते हैं, चाहे वो ज़्यादा ठंडा इलाका हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, जैसे अगर डेजर्ट्स में हो या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड पड़ती है ग्लेशियर्स वगैरह में, वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हर तरह की इन्वायरमेंट में क्लाइमेट में मिल सकते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी किसी की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या ह्यूमन की होगी या बैक्टीरिया की होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो टाइप है वो आता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पता है कि उसको हम देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद है फंगी, फंगी का अगर हम एग्जांपल लूँ तो एक अगर आप रेनी सीजन में देखोगे कि अगर आप जब ब्रेड को रख देते हो तो 2-3 दिन बाद जब आप देखते हो तो उससे ग्रीन कलर की फंगी लग जाती है, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो फंगी होती है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि उस पर किस तरह से फंगी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप देख पाओगे। अगर एल्गी, एल्गी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और उसके एग्जाम्पल हैं कैमेडमोनस और स्पायरोगोरिया। उसके बाद है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंडर अमीबा और पैरामेशियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद है वायरस, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है या दूसरे माइक्रोब से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपने आप को डिवाइड करता है और अपनी अपनी जो ग्रोथ करता है किसी की बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। अब ये बॉडी किसकी हो सकती है, तो बैक्टीरिया की हो सकती है या प्लांट की हो सकती है या एनिमल की हो सकती है। अब हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हम ह्यूमंस की, और फ्रेंडली होते हैं, उनको हम ईट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। मम्मा, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा जो है घर पे दही जमाती हैं, तो क्या करती हैं, वो दूध में थोड़ी सी दही डाल देती हैं जिसे हम कहते हैं खट्टा डाल देती हैं, तो फिर रात में क्या होता है, रात के अंदर अंदर वो पूरी दही बन जाती है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बाद ईस्ट जो है वो हेल्प करता है, ईस्ट जो है वो एक फंगस है, ठीक है। द फंगस कॉल्ड ईस्ट, आप पढ़ पा रहे हैं जैसे कि, तो ये हेल्प करता है ब्रेड्स बनाने में। हम जो आटा बनाते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, उसमें क्या करते हैं, उस फ्लोर में हम थोड़ा सा उस आटे में थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है, ये फूल जाते हैं। ब्रेड बनाते हैं या कोई केक बनाते हैं या बिस्किट बना रहे हैं, कोई भी पेस्ट्री बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा करते हैं यीस्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी फूल जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कि यीस्ट जो है वो ब्रेड और ये सब बनाने में तो हेल्प करता ही है, उसके बाद ये अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। अगर आप यीस्ट को एक शुगर सॉल्यूशन में, मतलब पानी के अंदर शुगर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया और उसको 2-3 दिन के लिए रख दिया, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो अल्कोहल बन जाएगा।
और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन है वो लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। अब हम आगे देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं उनकी हेल्प से मेडिसिन बनाई जाती है, और ये जो फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो बॉडी के अंदर जाके क्या करती हैं, जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिम है उसकी ग्रोथ को कम कर देती हैं या बिल्कुल स्टॉप कर देती हैं। इसलिए इन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। इन एंटीबायोटिक्स के आप कुछ नाम देख सकते हैं, स्टीरियोमेसिन, टेट्रासिलीन, ठीक है, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। अब कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको और बढ़ा सकती हैं, ठीक है। इसलिए इन माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। इन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हम चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसकी एक नाइट्रोजन साइकिल है, उसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी ह्यूमंस की हेल्प जो माइक्रो ऑर्गेनिम है और कैसे करते हैं। अब है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। किस तरीके से, जो भी वेस्ट होता है प्लांट्स का या एनिमल्स का वो उनको डिकम्पोज कर देती है सिंपलर सब्टेंस में, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिम प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलर सब्टेंस में डिकम्पोज कर देते हैं तो वो दोबारा प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि किसी प्लांट का वेस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स में डिकम्पोज कर दिया, उसको सिंपलर सब्टेंस में ला दिया, तो वही चीज़ एक खाद की तरह प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और प्लांट्स उससे थोड़ा अच्छे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो दोबारा यूज़ हो गया ना, उसी का वेस्ट दोबारा यूज़ हो गया,